का विषय है एट्रोसिटी एक्ट। ज्यादा हम न समय लेना चाहेंगे, आदरणीय मंत्री साहब को भी हम लोगों का मार्गदर्शन देना है और जाना है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जैसे फैसला आया, हम सभी सांसद कहीं ना कहीं आपसी चर्चा छिड़ गई कि बहुत बड़ा ये अनुसूचित जाति जनजाति के साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुटाराघात पहुंचाया जा रहा है। गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं और 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय भी मिल गया और आप साहब के नेतृत्व में अनेकों सांसद जा करके और मिल करके अपनी व्यथा, आपकी व्यथा, सांसद की व्यथा सरकार के पक्ष रखने का जिसमें विधिवत बताएंगे। और साथियों, 2 तारीख को रिव्यू पिटीशन दायर होता है, थोड़ा विलंब हो ही गया था, जनता अंगड़ाई ले चुकी थी, जो आप सबके सामने 2 तारीख को देखने को मिला। ये अंगड़ाई में मैं भी शामिल हूँ। संविधान है तो मैं सांसद हूँ, संविधान नहीं है तो मैं सांसद नहीं। संविधान की वजह से ही हम लोगों को कहीं से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो जब समाज ही नहीं रहेगा तो संविधान क्या। और एक साथी डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान विश्व का सबसे नमूना संविधान है। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हृदय विदारक अपमान हुआ, लेकिन जब उनके हाथ में कलम आ गई तो किसी के साथ उन्होंने दुर्भाव नहीं किया। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर हम सब न्यायप्रिय लोग हैं। गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर सत्य न्याय प्रेम बंधुत्व के आधारित हम चलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम किसी के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन साथियों, जब मेरे साथ अनेकों प्रकार की, हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, समय अभाव है, जब मेरे साथ हो रहा है जैसे चर्चा हुई, आज विधायकों की घर फूंक दिया जा रहा है। अब इससे और उदाहरण क्या हो सकता है कभी कभी। लेकिन मंच पर बैठे सम्मानित हमारे मंत्रीगण मौजूद हैं, आदरणीय शायद रामविलास पासवान जी अभी यह मंचस्थ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जब इच्छा मंच पर बैठे हमारे व्हिप चीफ भी है और भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्री भी हैं, अभिभावक भी हैं, और आज 119, 125 और 150 के करीब हम सांसद हैं, आप बुलाएं और निर्णय करें। आप जो निर्णय करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। ये समाज का आवाज़ है और ये समाज की आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे। अपना पूरा का पूरा समय हम माननीय अर्जुन मेघवाल साहब को देंगे और आप हम लोग को मार्गदर्शन करें और आपके बताए रास्ते पर हम लोग चल करके और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और आन बान शान को हम लोग डिगने नहीं देंगे। जय भीम, जय